हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑन एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी दिसंबर में होगा। उसके कुछ पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर क्या एज क्राइटेरिया है और कौन कौन बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए मैं आज नोटिफिकेशन जो आया है, जो फॉर्म अभी करंटली रनिंग में है, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले RIMC के जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई अभी किए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा नोटिफिकेशन में, जो RIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो जो कंडक्ट किया जाएगा वो 2 दिसंबर 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। 2 दिसंबर 2023 सैटरडे को कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट RIMC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से, और 2 दिसंबर 2023 को उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये जुलाई 2024 के लिए होगा, यानी कि जो एडमिशन्स वहाँ पे मिलेंगे RIMC में वो जुलाई सेशन के लिए मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ आगे कि RIMC में पेपर किस किस के होते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, और इंग्लिश में रिटन पेपर होता है जिसमें रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर तीनों पोर्शन ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो 125 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। दूसरा जो हमारा पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, और ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये भी रिटन मोड में ही होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव वे में ही होता है, और इसके लिए जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा पेपर जो जनरल नॉलेज का होता है, ये भी रिटन मोड में ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और इसके जो मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स हैं। तो इस तरह से RIMC में एडमिशन के लिए ये तीन टेस्ट पेपर आपको देने पड़ते हैं। पहले ये 2 दिन में होते थे, लेकिन अभी जब कोरोना के बाद से ये 1 डे में ही कंडक्ट किए जाते हैं, यानी एक ही दिन तीनों पेपर कंडक्ट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेपर को क्वालिफाई कर लेता है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो मिनिमम 50% मार्क्स हैं, यानी ईच सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लाने हैं मैक्सिमम मार्क्स के। जैसे मैथमेटिक्स में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो आपको 100 मार्क्स पासिंग के लिए कंपलसरी हैं। इसके बाद बात करें, अगर आप तीनों पेपरों को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक नेक्स्ट प्रोसेस से यहाँ से गुजरना पड़ेगा, और वो होगा इंटरव्यू। ये 50 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, और जब ये आप इन प्रोसेस को पास कर लेते हो तो आपकी ओवरऑल मेरिट जो बनती है वो 450 मार्क्स से बनाई जाती है। ये आपके पेपर का पैटर्न है। इसके लिए जो आप स्टडी कर सकते हो वो NCERT बुक्स ही पढ़िएगा, 7th और 8th स्टैंडर्ड की। यहाँ पे आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए NCERT ही बेस्ट रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये जो एडमिशन लिए जा रहे हैं वो जुलाई टर्म के लिए जा रहे हैं, इसीलिए जो भी काउंटिंग्स वो करेंगे वो इस डेट को करेंगे, 1 जुलाई 2024 को। यानी 1 जुलाई 2024 को या तो आप 7th में होने चाहिए हो या 7th को पास कर चुके हो, ये 2 कंडीशन है। अब यहाँ पे एक सस्पेंस ये आता है पेरेंट्स के कि अगर आपका हमारा बच्चा 6th में रनिंग है, 6th स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको बता दूँ अगर आपका बच्चा 6th में भी रनिंग है तो आपका बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, वो भी एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि वो नेक्स्ट जुलाई तक वो 7th क्लास में आ चुका होगा। तो आपका बच्चा अगर 6th में पढ़ रहा है तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जिनके बच्चे 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं और एज क्राइटेरियो को फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें एज का जो क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। तो एज के लिए अगर हम बात करें तो एज 11 एंड हाफ से 13 ईयर होनी चाहिए RIMC एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये भी जो वो जो काउंट करेंगे वो 1 जुलाई 2024 को ही करेंगे, यानी 1 जुलाई 2024 को आपका बच्चा 11 एंड हाफ से 13 का होना चाहिए।
अभी अगर 13 का है तो वो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो काउंटिंग जो होगी वो 1 जुलाई 2024 को होगी। अगर हम बात करें कि इस एग्जाम के लिए स्पेशली कौन से बच्चे एग्जाम देंगे, तो आप इस क्राइटेरिया से समझ सकते हो कि जो जिन बच्चों का बर्थ 2 जुलाई 2011 को हुआ है, 2 जुलाई 2011 या उसके बाद हुआ है, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हुआ है, 2 जुलाई 2011 से अगर पहले का बर्थ है, तो आपका बच्चा एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यानी अगर आपका बच्चा 1 जुलाई 2011 को भी अगर बर्थ है, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। आपका बच्चे का बर्थ अगर 2 जुलाई 2011 से है, 11 है, तो ही आपका बच्चा एलिजिबल होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर आपका बच्चे का बर्थ 1 जनवरी 2013 तक है, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके बच्चे का बर्थ 1 जनवरी 2013 के बाद का है, यानी कि 2 जनवरी 2013 का है, तो भी आपका बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये हमारा एज क्राइटेरिया है, ये आप क्लियर कर सकते हो कि जो बच्चा 2 जुलाई 2011 को जिसका बर्थ हुआ है और 1 जनवरी 2013 तक जिसका एज क्राइटेरिया है, वही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। 2 जुलाई से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2013 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपको बताया था, जैसे 2 दिसंबर 2023 सैटरडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा, 2 दिसंबर 2023। और जो हमारा पहला पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, और ये जो एग्ज़ाम होगा 9:30 से 11 o'clock तक होगा, यानी 1.5 आवर का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व कर सकता है। दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, उसका जो टाइमिंग्स रखे गए हैं वो 12 o'clock से 1 o'clock रखे गए हैं आफ्टरनून। और ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, लेकिन रिटन मोड में ही होता है। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तीसरा पेपर इस इंग्लिश का कंडक्ट किया जाएगा, उसका जो टाइमिंग्स रहेगा वो 2:30 से 4:30 तक रहेगा। 2:30 से 4:30 ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, और इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होगा। तीनों पोर्शंस आते हैं, ग्रामर आता है, राइटिंग आती है, रीडिंग आती है, तीनों ही पोर्शंस का यहाँ एग्ज़ाम होता है। तो ये आपके एग्जाम से एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, और एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है मैंने बताया था आपको, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। हर सब्जेक्ट में आपको 50-50% लाना है मैक्सिमम मार्क्स का, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहोगे। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स वगैरह, और ये आपको टाइम टाइम पे वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, यानी फॉर्म आप कैसे मंगाएं। प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई नहीं होते हैं। हाँ, आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे मंगवा सकते हो RIMC देहरादून से। तो उसके लिए जो दो प्रोसेस दिए उन्होंने, एक तो ऑनलाइन पेमेंट का और बाय सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। जो जर्नल के लिए फीस है वो 600 रुपीज़ है, और ST SC के लिए जो फीस है 555 रुपीज़ है, 555 रुपीज़ है। तो इसके लिए आपको RIMC की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, और आप किसी भी मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, सारे ऑप्शंस खुलते हैं, यहाँ से आप फॉर्म वहाँ से मंगवा सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हो। इसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना होगा वो द कमांडेंट RIMC फंड इसके नाम से बनवाना होगा। किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, और RIMC का जो एड्रेस है ये दे रखा है, RIMC के एड्रेस पे आपको उसको पोस्ट कर देना है, और अपना एक स्लिप रख देना है अपने एड्रेस की, तो RIMC वाले वहाँ से आपका फॉर्म यहाँ के लिए भेज देंगे। तो
फिर उसको आप भर के वापस जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर होता है वहाँ पे आप इसको भर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारा बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, यानी हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, एक ST/ST का सर्टिफिकेट चाहिएगा, और ये सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करेंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, यानी कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ से आपका प्रिंसिपल अपने लेटर पैड पे डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन करेगा, आपका नाम मेंशन करेगा, आपकी फ़ोटो को अटेस्टेड करेगा और एक सर्टिफिकेट बनाएगा कि ये बच्चा इस क्लास में और इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बनवाना होगा अपने स्कूल से। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी भेजनी होगी, तो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी रिक्वायर्ड है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भेजने पड़ेंगे। फ़ोटोग्राफ के पीछे आपको अपने साइन करने होंगे, जो 2 फोटोग्राफ साथ भेजोगे उसके पीछे साइन किए जाते हैं। और इसके अलावा 2 फॉर्म्स आते हैं, इसके दोनों फॉर्म्स पे एक एक फ़ोटो लगता है, बच्चे के साइन होते हैं वहाँ पे। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ये याद रखना, इसके 2 फॉर्म आएंगे और दोनों फॉर्म भरना ज़रूरी होता है और दोनों फॉर्म को ही सबमिट कराना होता है। तो एक RIMC देहरादून जाता है, एक रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। अब हम बात करें कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2023 है, यानी कि आपका अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका फॉर्म 15 अक्टूबर 2023 तक रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी जिस स्टेट का रहने वाला है उसका एग्ज़ाम फॉर्म वहीं सबमिट होगा। एक कंडीशन ये है कि अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हो और आप कहीं और सर्विस कर रहे हो तो आप अपना फॉर्म उसी स्टेट में जमा करा सकते हो जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो। उसके लिए आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना होता है और उस सर्टिफिकेट को फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी उसी स्टेट में हो जाएगा जहाँ पे आप सर्विंग कर रहे हो, लेकिन जो आपको सीट अलॉट की जाएगी वो सीट फाइनली आपके स्टेट की ही अलॉट की जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं उसकी बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में वैसे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म है वो 15 अक्टूबर 2023 है, यानी इस डेट तक आपके फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाने चाहिए। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 2 दिसंबर 2023 है, यानी 2 दिसंबर 2023 को आपका पेपर होगा। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।